was not clear because the Easter holidays and the broker was closed. So that's why it was stuck over there. Okay. Yeah, because a long weekend. कैनेडियन बॉर्डर पे मैं पहुंच गया हूं और बस अभी एक मील के फासले पे कनाडा का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको कस्टम्स के एंट्री दिखाऊंगा जिसमें मोस्टली यंग प्रोफेशनल्स ट्रकर्स होते हैं, वो यूएसए से कनाडा की तरफ कैसे एंटर करते हैं। मैं लेकिन वो सीन तो नहीं दिखाऊंगा जब कस्टम ऑफिसर हमसे बात करते हैं, तो वो क्योंकि बाय लॉ इलीगल है और उसको यूट्यूब पे भी हम लोग नहीं डाल सकते विदाउट उनकी परमिशन के। तो ये देखें अभी टाइम हो रहा है रात के, टाइम हो रहा है 11:02 टाइम हो रहा है मेरे वॉल पे, मेरे उस पर ट्रक के उस पर टाइम दिखा रहा है। और अभी ये कनाडा और ये यूएसए का आखिरी साइन बोर्ड आ गया, स्वीट ग्रास 1 माइल। स्वीट ग्रास का जो बॉर्डर है उधर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। असल में ये एरिया एक ही है, इधर इसको स्वीट ग्रास बोलते हैं और उसको कनाडा के पार्ट में उसको कूट्स का एक शहर है वो एक ही है, लेकिन वो उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को चेंज किए हुए हैं। ये आपको सामने जो गाइडें नजर आ रही हैं, ये है जी कस्टम इनका यूएसए का और कनाडा का। और यहाँ पे अभी मैं रुक के अपना पेपर वर्क कम्प्लीट करूंगा और पेपर वर्क कम्प्लीट करने के बाद फिर मैं कस्टम के पास चला जाऊंगा। और लेकिन हमें यहाँ से बता दूं ट्रक से निकलने की इजाजत नहीं है, हमें सिर्फ विंडो पे हमारी कस्टम इमिग्रेशन ही होती है, ट्रक के अंदर ही कर देते हैं, वो विंडो खोलते हैं हम लोग, विंडो के जरिए वो सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा ये जो बॉर्डर है, ये जो मैं जिसे क्रॉस कर रहा हूँ, ये 24 घंटे खुला रहता है। कुछ बॉर्डर ऐसे हैं अमेरिका और कनाडा के जो सिर्फ सुबह के टाइम खोलते हैं और रात को क्लोज कर देते हैं, वो कुछ बॉर्डर हैं, लेकिन मोस्टली बॉर्डर इनके 24 घंटे खुले होते हैं। अब ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है ना, ये आपको जो नजर आ रहा है इसपे आप देखेंगे, इसपे इन्होंने लिखा हुआ है कैनेडियन कस्टम्स 800 फीट, 800 फुट के बाद कस्टम है और लोडेड ट्रक्स मस्ट स्टॉप। ओके जी, लोडेड ट्रक मस्ट स्टॉप्स हो जाते हैं भाई। हम मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकूंगा और यहाँ पे अपना पेपर वर्क कंप्लीट करूंगा, उसके बाद वो सामने इनका इमिग्रेशन है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वैसे अगर सुबह के टाइम में कभी क्रॉस किया तो आपको दिखाऊंगा कि सुबह के टाइम बिल्कुल क्लियर नजर आता है, अभी जरा रोशनी है ना तो नजर नहीं आ रहा है। ये जो आपको एरिया ना, ये यहां से क्रॉस करना, यहां पे इनके ऑफिसर बैठे होते हैं, ठीक है जी, और ट्रक यहीं से गुजारना होता है हमको, या यहां से या यहां से। चले ठीक है, मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अभी हम बॉर्डर पे जा रहे हैं और बॉर्डर पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो क्वेश्चन करता है एक हमसे, जो नॉर्मली जब भी हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो आपको दिखाएंगे, लेकिन मैं सॉरी कैमरा मैं बॉर्डर ऑफिसर की तरफ नहीं कर सकता बिकॉज इट्स इलीगल। चले फिर चलते हैं, फिर बॉर्डर तो आगे हैं और बस ये थोड़ा सा पेपर वर्क कम्प्लीट करना था, पासपोर्ट रेडी करना था और फिर उसके बाद बॉर्डर की तरफ चले, लेट्स गो। क्योंकि मैं अभी 2 घंटे पहले बॉर्डर क्रॉस किया है और वो ऑफिसर ही पूछेगा यार इतनी जल्दी तुम कैसे आ गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम खाली ट्रेला लेके आए हैं और ट्रेला लेके अभी वापस जा रहे हैं। बॉर्डर वैसे फ्री है, बॉर्डर पे कोई ज्यादा रश नहीं है,
चलें देखते हैं कि बॉर्डर पे कितनी देर लगती है। मेरा ख्याल एक ट्रक हमारे आगे है और उसके बाद हमारा नंबर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा होता है बॉर्डर हमारा, ये स्टॉप साइन है और वो बॉर्डर पे एक ट्रक खड़ा हुआ है और उसमें वो जो आपको बूथ नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है। चले मैं आप कैमरे को नीचे रख देता हूँ और ये आपको सारे कनाडा के फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। कुट्स अल्बर्टा बॉर्डर है ये, और ये स्टॉप साइन है और ये सारा इमिग्रेशन ऑफिस है। चले आप इसको कैमरे को तो रखते हैं यहाँ पे और देखते हैं अभी कितनी देर लगती है यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको आप सिर्फ वो सुन सकते हैं। कमान यार, चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो। क्योंकि ऑफिसर के लिए ये बड़ा अमेजिंग होता है बहुत दफा कि आप बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं और अभी वापस भी आ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या पूछता है, क्वेश्चन आंसर क्या होते हैं, लेट्स सी। और जब भी आप बॉर्डर पे जाओ ना तो अपने हेडफोन आप ऑफ रखें, क्योंकि उनको ये होता है कि शायद आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है आप उनसे किसी से फोन पे बात कर रहे हो। तो मैंने बहरहाल हेडफोन अभी उतार दिया, तो देखते हैं। हेलो सर, कैलकुलेट सर, 2 hours बिफोर, या आई वांट इन अ शेल्बी एंड पिक अप दिस ट्रेलर एंड देन गोइंग बैक टू